आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। साल 2020 के संघर्षों से गुजरकर आखिरकार हम 2021 का स्वागत कर रहे हैं। सबकी आशा है कि साल 2021 हमारे लिए बेहतरीन साल साबित हो, भले ही हम कोरोना वायरस की महामारी से भी जूझ रहे हैं। ऐसे मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक कविता लिखी है। उन्होंने अभी तो सूरज उगा है कविता के माध्यम से मुश्किलों से गुजरने के बाद रोशनी का संकल्प लेने का आह्वान किया है। उन्होंने अपनी इस कविता को माई गवर्नमेंट इंडिया के ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। पीएम ने इस कविता की पंक्तियां लिखने के साथ साथ इसे अपनी आवाज भी दी है। आसमां में सर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने, घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। विश्वास की लौ जलाकर, विश्वास की लौ जलाकर विकास का दीपक लेकर सपनों को साकार करने अभी तो सूरज उगा है। न अपना न पराया, न अपना न पराया, न मेरा न तेरा, सबका तेज बनकर, सबका तेज बनकर अभी तो सूरज उगा है। आग को समेटते प्रकाश को बिखेरता, चलता और चलाता, चलता और चलाता अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है, अभी तो सूरज उगा है। पीएम ने इस मौके पर एक ट्वीट कर देश को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, आप सभी को 2021 की शुभकामनाएं। ये वर्ष हमारे लिए अच्छा, स्वास्थ्य, खुशियां और समृद्धि लेकर आए। आशा और कल्याण की भावना प्रबल। बता दें कि नए साल के शनि ग्रहण को ध्यान में रखते हुए इस साल देश के कई राज्यों ने नाइट कर्फ्यू और भीड़ भाड़ पर बैन लगाने जैसे कदमों का सहारा लिया था। देश ऐसे वक्त में नए साल का स्वागत कर रहा है जब कोरोना के नए मामले में तो उल्लेखनीय गिरावट आई है, लेकिन यूके में मिले स्ट्रेन के 25 मरीज अब तक इंडिया में सामने आ चुके हैं। इसके ज्यादा संक्रमक होने की संभावनाओं के बीच स्वास्थ्य प्रशासन पूरी तरह से सतर्क। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।